चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, 3 अक्टूबर से आज इतने दिन हुए हैं, एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुनाह तो मान रही है ना आपकी सरकार, पुलिस आखिर क्या कर रही है, क्यों इतना डरती है रसूखदार लोगों और उनके बेटों से पूछताछ तक करने में? गौरव भाटिया अंजना जी, सबसे पहले तो आप कहती हैं कि क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई, तो जब हम इस शो पे आ रहे थे उससे पहले आपका चैनल भी चला रहा था कि 2 लोग हिरासत में हैं, और जो बाकी भी नामजद आरोपी हैं उनके साथ पूछताछ होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसकी गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन ये विवेचक तय करेगा। ये ना आज तक तय कर सकता है, ना कांग्रेस के प्रवक्ता, ना हम तय कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा समय हमें देना चाहिए, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बात है इसके संदर्भ में चर्चा होनी चाहिए। क्या ये सत्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरी घटना का संज्ञान लेके 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जो कल कोर्ट में दी जाएगी, तो सर्वोच्च न्यायालय देख लेगा कि उचित कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। मैंने 2 लोग हिरासत में है इसका जिक्र भी कर दिया है, और सबसे बड़ी बात है एक न्यायिक जांच आयोग का गठन भी हो गया है जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा, और ये रिटायर्ड हाईकोर्ट जज द्वारा की जा रही है। इसके बाद जिस तरह का हो हल्ला मचाया जा रहा है, अंजना जी आप मुझे बताइए कि क्या आपने वो वीडियो देखा है जिसमें चन्नी जी बैठे हैं और प्रियंका वाड्रा गांधी से कह रहे हैं ठाके मार के हंसते हुए कि बड़ा अच्छा हो रहा है, ये बात सही हुई? आप बताइए, क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का वहां जाना पीड़ा की वजह से है? नहीं अंजना जी, ये कोई अंतर मन की पीड़ा नहीं है, ये इन लोगों का राजनीतिक कीड़ा है जो इनको वहां ले जा रहा है। वरना मैं पूछना चाहता हूं, जहां पे राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हो आए, क्या कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश का यूनिट इकाई है वो मर गया है कि आपको सिद्धू को पंजाब से, सचिन पायलट जी राजस्थान से, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ से यहाँ आ रहे? ये कोई पर्यटन चल रहा है? पर और क्यों नहीं आ सकते सर? अपना काम करे, क्यों नहीं आ सकते सब का काम करे, क्यों नहीं आ सकते? या इन राजनीतिक बीजेपी के नेता दूसरी सरकार में किसी घटना पर वहां गए नहीं है? क्या विपक्ष वहां पर ना जाए? जाए ना जाए तब भी आप सवाल पूछते हैं, जाए तब आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि सारे नहीं, उस पर बाद में आऊंगी सर, इसको डिरेल मत कीजिए, अभी जरा मौके पर क्या डिरेल कर रहा हूं? एक सेकंड, एक मिनट। नहीं, विपक्ष का रवैया आज चिंता नहीं है, आज चिंता इंसाफ है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी सर, 1 सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि रिपोर्ट दीजिए। गौरव जी आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, इतना तो हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं कि मुझे सवाल पूछने का एक अधिकार आप दे दें। आप सरकार है, आप सत्ता है, लेकिन आप कह रहे हैं कोर्ट से फैसला होगा, इस पर बात करने की बात कैसे नहीं करेंगे सर? पूछेंगे ना आपसे? कोर्ट ने कहा है आखिरकार, तब जाके 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आशीष श्रीवास्तव की गाड़ी थी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है, जिसकी गाड़ी थी कम से कम उससे तो पूछताछ की जाए बुलाकर, अभी तक पूछताछ नहीं हुई। प्रियंका वाड्रा गांधी पर एफआईआर से लेकर आप तमाम धाराएं भी लगा देते हैं, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व सीधा दिख रहे हैं, कह रहे हैं गृह राज्य मंत्री कि उनके बेटे वहां पर होते तो उनको भी मार दिया जाता, हम तो दिखा रहे हैं सर कि कैसे सुमित जायसवाल उसी गाड़ी से निकलकर भाग गए हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन सुमित जायसवाल तक से पुलिस ने अभी तक पूछताछ नहीं की है, ये कैसा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सर? अंजना जी, क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूं, एक बात आपको बताता हूं, जहां पे किसी रसूखदार व्यक्ति का नाम आता है अक्सर देखा गया है कि एफआईआर ही नहीं होती, दूसरी बात नामजद एफआईआर नहीं होती, इस पूरे प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद एफआईआर हुई। विवेचने का एक अपना तरीका होता है, आपको ऐसा लगता है कि पूछताछ फलाने व्यक्ति से नहीं हुई, फलाने से होनी चाहिए थी। अंजना जी सहसम्मान आपसे एक बात कहूंगा कि जब पूरी विवेचना हो जाएगी तो आपको दिख जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि एक पर्यटन स्थल बना दीजिए राजनीतिक गिद्ध बनके और राहुल गांधी